संयुक्त रूप से पूर्ण कर्म को ही माना है। तो कर्म संन्यास योग आज के हमारे पांचवें चैप्टर का नाम है। उसी प्रकार अर्जुन जी संशय में रहते हैं, सांख्य योग में जाऊं, अपनी इंद्रियों से छुटकारा पाके इंद्रियों को काबू में कर समाधि स्थल पे जाऊं, या कर्मों की दुनिया में अपने कर्म योग से जाऊं। पुनः कृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं कि मुझे थोड़ा संन्यास के बारे में आप बताओ कि मैं एक संन्यास उस प्रभु तक पहुंचने में किस माध्यम से जा सकता हूं। तो उन्होंने कहा सबसे प्रथम अभी जो तुम्हारा दायित्व है वह है कर्म। अब मैं आपको बोले और कर्म के बारे में बता रहा हूं। देखिए सांख्य योग मतलब क्या हो गया कि समस्त इंद्रियों को अंतरकरण में लेकर अपने अंदर लाकर कंट्रोल कर उस प्रभु को एक साक्षी भाव से जीवन को देखना। साक्षी भाव मैं अंतर भेद करता हूं, सांख्य योग में जीवन एक साक्षी भाव से देखा जाता है और कर्म योग में एक कर्ता भाव का त्याग करके देखा जाता है। इतना प्यारा एग्जांपल आ गया, देखो अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सांख्य योग एंड कर्म योग। सांख्य योग यू इंट्रोवर्ट योर ऑल सेंस ऑर्गन्स लाइक ए टॉर्टोइस, खच्चों की तरह पूरे अपनी शक्तियों को इंद्रियों को अपने कब्जे करते हो और एक साक्षी भाव से जीवन को देखते हो। और कर्म योग में क्या होता है, कर्म योग में समस्त इंद्रियों के साथ काम करते हो लेकिन अपने कर्ता भाव का त्याग कर देते हो, देखते हो। सांख्य योग क्या सीखा था कि समस्त पे कंट्रोल कर लो, इंद्रियों पे कर्म करो, समाधि स्थल में जाने की समस्त इंद्रियों पे कंट्रोल करो, बोले। लेकिन नहीं, कर्म योग और बेहतर क्यों बताया उन्होंने, संन्यास योग से बेहतर बोले, कर्म योग के माध्यम से देखते हुए, बोलते हुए, कानों से सुनते हुए, त्वचा से स्पर्श करते हुए हमारा जीवन जीना, और वो कर्म जो करना है आपको वो कर्म आप एक निष्काम भाव से करो, वो मुझे समर्पित करो, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब यहां पर थोड़ा अंतर्भेद हो गया। हम ये सोचते हैं कि एक सन्यासी, मेरी दृष्टिकोण से एक सन्यासी जो हिमालय पर बैठकर सब इंद्रियों को कंट्रोल करके आराम से ध्यान में बैठा है, उससे माफ करना बेहतर तो नहीं बोल सकता, उससे ज्यादा तो उससे कम भी हम लोग नहीं है। वो जो इन पांचों इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कर्ता भाव नहीं ला रहे कि मैं नहीं कर रहा, कोई शक्ति मुझसे करवा रही है, जो भी काम करवा रही है। तो आपके पाप के बंधन से भी आप मुक्त हो जाते हो जहां आपने कर्ता भाव त्याग करा। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, इसमें थोड़ा टेक्निकल आते हैं 6-7 अध्याय तक, उसके बाद और सरल हो जाएगा। मतलब एक तो चीज, जब जब आपके मन में सांख्य योग का नाम आए, कर्म योग का आए, सांख्य योग मतलब क्या कि अपनी इंद्रियों को कछुओं की भांति अंदर करके कंट्रोल करके प्रभु की सुमिरन करके एक रास्ता प्रभु तक पहुंचने का हुआ है। एक रास्ता कर्म योग के द्वारा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, और बगैर ये सोचे कि मैं कर रहा हूं, देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, अपनी लीला में, कर्म लीला में इन्वॉल्व होते हुए, सुख दुख कुछ भी देखते हुए अगर आप कर्तापन त्याग दोगे तो आपको सुख दुख का पन एहसास नहीं होगा, तो वो कर्म संन्यास योग हुआ। इसे कहते हैं आज की तारीख में कहीं जगह हमने पढ़ा भी है कि संन्यास से तो गृहस्थ आश्रम कठिन है। वो क्या है, वहां पे आप चले गए आंख बंद करके बैठे, खाना मिल जाएगा जो मिल, आप साधना करते रहे, ध्यान करते रहे। अरे बाबा जी आंख खोलो, एक पति, एक पिता, एक पुत्र, पति पति बन के देखो, ये जो जीवन की लड़ाइयां हैं ये तो महाभारत जैसी चल रही है। पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने भाई को कुछ बोल दिया, पत्नी ने बेटे को कुछ बोल दिया, बेटे ने बुद्ध को बोल दिया,
पत्नी ने माँ को कुछ बोल दिया, माँ आपको शिकायत करी, कैसे बात करूं पत्नी से, पत्नी सही है कि माँ सही है, मैं माँ तो सही होगी, पत्नी को भी सही बताना, माँ को भी सही बताना, इससे बड़ी महाभारत नहीं। आर यू अग्री विद मी एनीबॉडी? यस, इससे बड़ा माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं जाना है सिस्टर को भी लेना है, लाइक बाला, ओ माय गॉड, इसे अब तक काम पे भी फोकस करना है, मीरा पे, सुमित्रा पे ध्यान ले जाना, कैसे कैसे सब पावर ऑफ लॉट ऑफ, जितने आपके रोल्स रहेंगे उतने उतनी आपके लेंगे, लेकिन जहां आप उस रोल्स में अपने आप को डिटेच कर दोगे, यार ये सब माया है, दुनिया है, अस्थाई है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने कोई पिक्चर देखी, सब घर बने रहते, डाइनिंग रूम बने रहते, परिवार रहता है, देखते हो 3 घंटे बाद दिमाग चल जाता है, वो नए पात्र बनकर वो 15 मिनट बाद जो लोग बैठे रहते वही गाने वापस ही बैठ जाते। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्म योगा, वेन एवर यू कंट्रोल योर ऑल सेंस ऑर्गन्स एंड अटैच एज अ व्यूअर विद द गॉड, इट्स कॉल्ड सांख्य योगा, यू कैन रीच ऑन दैट गॉड ऑल्सो फ्रॉम दैट रूट ऑल्सो। That main question was the Arjuna, that why you are forcing me for the fight? That also one another way to reach to you. But उन्होंने साफ साफ शब्द में कहा, मेरे पास आने के रास्ते वही है, लेकिन अभी तो जिस स्थान पर खड़ा है वो स्थान युद्ध का है, यहां पर तेरे कोई अपने क्यों दिख रही है, कोई नहीं है, ये शोक करने योग भी नहीं है, भले तूने सिखाया करा है तो तू उसमें इन्वॉल्व क्यों होता क्रिया में। तो फिर उन्होंने कहा कि बोले आपने हैव यू सीन एनी कमल, कमल कमल तो देखा, कमल लोटस, वेयर इज द लोटस, इन द मड। कल्पना करें, एक उस व्याख्या दी है उसमें, एक मड में, गंदे पानी में एक कमल खिलता है जो मां लक्ष्मी के चरणों में रखाता है। इसी प्रकार आप अपने आप को भी एक दलदल में मानो, इसको मैं कनेक्ट करता हूं उस स्टोरी से कि एक राजा था, वह शिकार पे निकला, घने जंगलों में कहीं उलझ गया और बहुत बारिश तेज आने लग गई, बहुत तेज पानी लग गया, वह क्या करे, उसने देखा एक झोपड़ी दिख रही छोटी सी और एक लाइट जल रही थी, बोला मैं यहां जाता हूं, वो अंदर गया वैसे बाहर आ गया कि वेरी वेरी बेड स्मेल कमिंग फ्रॉम देयर, मांस की टुकड़े, खून, लताफा लगा हुआ, एक जगह मल मूत्र पड़ा हुआ, माय गॉड, बोले यार ये कहां, तो रुक भी नहीं सकता मैं, बाहर बढ़ जाऊं, अच्छा। लेकिन बाहर ठंड इतनी थी, बरसात इतनी थी कि उसको अपने आप को बचाने के लिए उस घर में जाना पड़ा जहां मांस खून लथपथ मल मूत्र पड़ा हुआ है। उस आदमी को उसने बोला, भैया ये रात को मुझको रुकने दे, मैं यहां करूं। बोले राजा जी मैं आपको रुकने तो दूंगा एक दिन मेरे को, लेकिन आप कल सुबह चले ही जाना। तो बोले बोल माय गॉड मेरे पानी रुका वैसे ही चल जाऊंगा मैं। बोले फिर जिद मत रुकना, एक दिन वो रुक लेंगे। बोले नहीं, आप समझ लेना मेरी कहानी को, आर यू गेटिंग मी ना। सो ही इज रेडी टू अलाउ, और वो सुबह उठता है तो उसको मांस में से अच्छी खुशबू आने लगती है, और वही खुशबू जो उसको अच्छी लगती है, तो बोले यार आज एक दिन और रुक जाऊं, तो कहता है एक दिन और रुक जाओ। बोले यार मैंने आपको बोला था राजा जी एक दिन आप वो रुकने का, बोले वो रुक जाओ। फिर वो राजपाट में कहता, उसी में ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी इंगित करता है, ये मांस पेशियों मल मूत्र से भरा शरीर, इसमें हमारी सोल रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार लोटस एक मड में रहता है, अंदर तो सब अंदर की जो चीजें हैं वह आप बाहर ला दे, कोई आपके सामने आप आग बंद कर दो, यस नो, यस जया, यस
तो वह आज्ञा के प्रकार भी हम थोड़े हो जाते हैं, हम इस शरीर में इन इंद्रियों में रस लेना चालू कर देते हैं और इस रस लेकर हम इस समझते हैं जीवन केवल यही है कि आंखों से सुंदर दृश्य देखना, कानों से अच्छा म्यूजिक सुनना, मुंह से अच्छी बातें करना। इस पर तो मेरा मानना है कि करो, वो भगवान ने दिया है, लेकिन आप अगर ये सेंस ऑर्गन में उलझ के रह जाओगे तो ये वही राजा की कहानी लागू होगी जो ये पांच तत्व के ऐसे क्षेत्र में रहकर एंजॉय करना चाह रहा है जो खुश हो रहे हैं। ऐसा कर्म करो, संन्यास कर्म में ऐसा कर्म करो कि आप देखो भी सुनो भी, गलत भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया है, देखने को मिलेगा, आंखें हैं, खराब चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें मिलेंगी, यहां पर अर्जुन भी मिलेंगे, दुर्योधन भी मिलेंगे, जगह जगह पे। अपने पास किसको अंदर आने देना है कानों में, किस दृश्य को आंखों में अंदर आने देना है ना, कि स्पर्श को आपको लौटे, और ये सब जो भी ये पांचों चीज के आनंद है साफ लिखा है, इज फॉर फ्यू मोमेंट्स। यस, एंजॉय ऑफ द सेंस ऑर्गन इज टेम्परेरी, और जब वो टेम्परेरी चलते हैं, जहां वो खत्म हो गए फिर अरे यार चलो करके आते हैं, तो ये तो जीवन निकल जाएगा इसमें। मतलब हमारे यहां तो ऐसा भी सोच है कि आपके सेंस ऑर्गन खत्म हो जाते हैं, थक जाते हैं, पर भी वी इन्वॉल्व अवर माइंड इन दैट फीलिंग्स, इन दैट प्रेजेंट फीलिंग्स। अरे यार वो क्या गाना सुना था क्या, तो इसमें उन्होंने कहा कि इससे विरक्ति पा दू, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दे, इसको सरल भाषा में हमारे बोलूं, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दे, इंद्रियों से देख, लेकिन ये देख क्या अच्छा है क्या खराब, ये तभी देख पाएगा जब तू कर्ता भाव त्यागेगा और कर्म करेगा कर्ता भाव त्याग के। तो मेरे ऊपर जब छोड़ देगा गाड़ी चलाने को, तो मैं गाड़ी तेरी बराबर चलाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं सारांश ये इसका ये आ जाता है कि हम लोग कभी कभी इसी सन्यासी को देख के बड़े प्रभावित हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बाबा ये तो दाढ़ी वाले बाबा गुरु जी है, प्रणाम करो, मानता हूं उनका आचरण, लेकिन वो भी पांच तत्व का शरीर लेकर आए, आप भी पांच तत्व का शरीर लेकर आए, अपने आप को भी कम मत समझो, बड़े हैं, मान सम्मान करना जरूरी है, हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी अप्रिशिएट करो, अपने साथ भी कुछ समय गुजारो, अपना मोबाइल हमेशा एंगेज ही मिलेगा, ट्राई टू टॉक विद योरसेल्फ, ट्राई टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, ट्राई टू एक्टिवेट योर गार्ड पार्टिकल, फिर देखो आपकी लाइफ क्या है। हम समाजतः अधिकांश समय हम ऐसे निकाल देते हैं, हमारी उलझनों में, हमारी तकलीफों में, हमारी परेशानियों में, हमारी चाह में और अनचाह में। अभी हम पढ़ रहे थे तो इसको अगर हम हमें किसका ध्यान आया था, पूनम का ध्यान आया था उस वक्त, अब क्यों आया था पूनम तो बताना, तो पढ़ा तो बोले ये कुरुक्षेत्र जो है कुछ नहीं शरीर है घर है, ये पांडव पांच सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, और पांच सेंस ऑर्गन मतलब आग नाक ये सब जो हमने भी बताया था अलग रूप में बताया था, इसमें कर्ण की भी एक महत्व भूमिका है, कर्ण है आपकी डिजायर्स, वो इंग्लिश बच्चे कोटेशन था, हम भेजेंगे आपको, इट्स वेरी गुड। तो आपके महाभारत बोले यहां पर कभी हुई नहीं, ये तो आप अनादिकाल तक चलती रहेगी, आपने जन्म लिया पांच है तो भी आपके जीवन में चलती रहेगी, रिश्ते नाते बढ़ते रहेंगे, रिश्ते नाते खत्म हो गए तो आपकी चाह अनचाह डिजायर ये हो जाए, मैं करूं। अभी कभी हमारी इच्छा पूर्ण हुई क्या, याद करो आप जब 10 साल के थे ये सोचते थे माय गॉड मैं कब स्कूल छोड़ूंगा और कब कॉलेज जाऊंगा, तब मैं बहुत खुश होऊंगा, कॉलेज में आ गए और मेरा एजुकेशन पूरा हो जाए, पढ़े हो गए, जो चीज वर्तमान में हमारे साथ में है उसको हम एंजॉय नहीं करते। आज वो स्कूल का बोझ लगता था, बिस्तर का कहां ले जा रहे हैं यार, देखो उसको देखो बगैर बिस्तर के, वो बैग बैगेज के जाते हैं, वहां चले गए, कोई कॉपी नहीं ले जा रहा, बैग नहीं ले रहा, क्लास भी मार दी, अल्टीमेटली एजुकेशन कर लिया, क्या वो कॉलेज के भी क्या दिन थे यार, हम याद करते हैं अतीत को, स्कूल के भी क्या दिन थे,
जॉब कर लिया यार, एजुकेशन हो गया, ओ माय गॉड एक अच्छा जॉब मिल गया मुझको, कंटिन्यू जॉब मिल गया, आप खुश हो गए, आर यू हैप्पी, मेरे को शादी हो जाए, चलो शादी भी हो गई, आर यू हैप्पी, नहीं सर शादी तो हो गई वो ठीक है, थोड़ा घर में बच्चा भी हो जाए, चलो बच्चा भी हो गया, आर यू हैप्पी, अरे सर बच्चों की आपको क्या मालूम इतनी परिस्थिति में कितना तनाव होता है, हम लोगों को बड़े परेशान रहते हैं, क्या बच्चे की एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, ये सब तनाव मेरा इतना झेल रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ मेरा जीवन, इतने बच्चों के डोनेशन लगते हैं, स्कूल की फीस लगती है, मैं परेशान हूँ गुरु जी, क्या बताऊँ आपको मैं, चले बच्चे की अच्छी जगह एडमिशन होगी, अब बोल कुछ ना कुछ लगते ही रहेगी साथ में समस्या, बच्चा मेरा पढ़ाई, तो ये सभी क्रम के चूंकि आई एम हीलर और मैं जीवन को साक्षीवास और देख सकता हूं कि क्योंकि मेरे पास एक 20 साल के बच्चे का ही फोन आता है, एक 35 साल की लड़की का भी फोन आता है, मैं मेरे पति से परेशान हूं, मेरी कार शादी नहीं हुई होती, ठीक है मैं मेरे बच्चा है, ये बच्चा अच्छा पढ़ने की बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा बड़ा जिद्दी है, और यह कंप्लेंट तो मुझे इवन 5 ईयर ओल्ड के बच्चों की आने लगी है कि वीडियो गेम खेलते हैं, पढ़ाई के टाइम मैंने यू फिक्स द टाइमिंग नहीं मानते ही नहीं, तो मैंने आप छीन लो नहीं, तो अब मैंने यस योर सन, अब चलो आगे बढ़ो, हम वीडियो गेम खेलते हैं, अब जैसे हस्बैंड वाइफ तो अलग अलग, चूंकि मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं अलग अलग समस्याओं के, तो मैं समझ गया जीवन को यार तो कोई वर्ग सुख नहीं, ना कोई पति सुख खुशी है, ना कोई माँ खुश है, ना एक पिता खुश है, सब दुखी है, बस कोई कोई वर्ग से खुश है, अगर प्रोफेशनल के रूप में हाँ मेरी जॉब अच्छी है मैं खुश हूँ, एक हस्बैंड के रूप में अरे यार पत्नी से अनबन चलती रहती है, अच्छा पत्नी भी अच्छी है जॉब भी अच्छा है, मेरा बच्चा ध्यान देता पढ़े बिल्कुल जिंदी पना गेम खेलता रहता, चलो आगे क्या उम्र है 5 साल, 5 साल में आज आप देखो भाई बच्चा गेम खेलता है, इट इज वेरी रिडिकुलस फॉर अस 5 ईयर ओल्ड, इवन मेरे घर में एग्जाम्पल है, मेरे भतीजा है उसका बेटा है 6-7 साल का, वो देखो तो वो गेम, मैं मेरे इन लॉस के जाता हूँ, मेरे एक ब्रदर इन लॉ का बच्चा वो गेम पढ़ाई करते ना, दे आर डूइंग द ऑब्लिगेशन फॉर यू, दे आर नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग द स्टडी फॉर देमसेल्फ फॉर यू, मम्मी तुम्हारे कहने से 2 घंटे पढ़ा ना मेरे को आधा घंटा खेल लेते, इस कगार तक आ गए हम, और इसमें कोई और नहीं हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अगर बाय चांस धीरे 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 5 बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट भी उसके साथ ऐसा होता है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो मेरे पास आ रहे हैं कर्म योग से जुड़ा हुआ है बात कर, एक लड़की का फोन आता है मेरी मदर इन लॉ से परेशान हूं, एक लड़की का फोन आता है मैं मेरे हस्बैंड से परेशान हूं, एक लड़की का फोन आता है मेरी शादी नहीं हो रही, एक लड़की का फोन आ रहा है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, एक लड़की का फोन आ रहा है कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो अब मुझे बताओ ना ये कहां सुख मिलेगा आपको, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी में तो आपको वो प्रभु का बैग लेकर चलना ही है, ये मान के चलो 100% nobody is happy here, वो भी ये 5 तत्व का शरीर लेकर ग्रस्त आश्रम वाला, हाँ ये सब छोड़ छाड़ दो आप रिश्ते तो बहुत सुखी हो आप, तो आराम से माय गॉड ध्यान करो खाना खाओ, ये साधु संन्यासी बैठे रहते हैं हमको बड़े आदर्श नहीं लगते, हम वी ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, बट वी जस्ट थिंक आके देखो ना इधर इस पाले में ये ग्रस्त आश्रम के पाले में, इसीलिए कृष्ण ने कहा कर्म योग कर जो जिम्मेदारी तेरी पूरी निभा, और ये सोच के निभा कि मैं नहीं कर रहा हूं ये कर्म, मैं नहीं कर रहा हूं कोई मुझसे करवा रहा है, जहां तूने कर्म कर्ता भाव छोड़ा इट इज वेरी डिफिकल्ट, अगर कर्ता भाव छोड़ने में तेरे को दिक्कत जा रही है तो सांख्य योग पे आ जा, तो कंट्रोल ऑल द सेंस ऑर्गन कंटिन्यू फॉर योरसेल्फ, वो भी नहीं, आप जब जब कोई भी कर्म करोगे कर्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे रिजल्ट की, ये मैं कर रहा हूं विदाउट एक्सपेक्टेशन इन डू वर्क एंड नेवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ओन, फॉर एग्जाम्पल एक माँ है ना, एक 3 साल का बच्चा अपने आप में मस्ती खेलता रहता हूं, उसको मालूम है मैं गिर भी जाऊंगा ना तो पकड़ लेगा कोई ना कोई, हाँ ना
इसी प्रकार अपना जीवन भी मान के चलो, मैं परेशान हूं, तनाव हूं, भगवान परीक्षा ले रहा तुम्हें, वो तुम्हें जो भी कर्मास का हिस्सा दे रहा, बट 24 आवर्स इज विथ यू। मैं मान नहीं सकता है कोई बात, मुझे इतने लोगों मुझे व्हाट्सएप करके बात करा कि क्या आप सभी वर्गों से दुखी हो? नहीं। हाँ गुरु जी, वो तो कल ही आई गॉट ए कॉल, बोले बाकी एवरीथिंग इज ओके नाउ, फाइनेंशियली आई एम वेरी गुड, डूइंग गुड, एंड बाकी सब मुझे लगभग मेरे हस्बैंड से नहीं बनती नहीं। तो ओवरऑल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गीता का कृष्ण भगवान ने दिया वो ज्ञान तो मैं आपसे चर्चा करेगा, उसके आधार पर मेरा व्यक्तिगत जो है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं। तो हम उसी प्रकार जो भगवान ने जो ब्लेस करा है अच्छी चीजें उसको लेकर चले, उसी के साथ में हम दूसरा बैंक भी जो छोटी जो हमारे वो उसका है तकलीफों का परेशानी उसको भी लेकर चले। उठाओ ये मेरी मेरा पति बात करने लग जाएगा, एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, वो जो अपन कर रहे हैं अपना कर्म करो, कर्ता भाव छोड़ो। जहां आपने डिटेच कर लिया अपने आप को एज ए निष्कर्म भाव, बोले कोई एक्सपेक्टेशन रखा नहीं कि ये मेरा पति मेरा कहना मान जाएगा, मेरी बेटी मेरा कहना मान जाएगा, मेरे हस्बैंड कहना मान जाएगा, डू योर वर्क। वो आपको मैंने बार बार बोलता हूं एक चीज में कि वो तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो जो मैं चाहता हूं, कर ऐसा जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। लेकिन वो चाहने में भी क्या है, मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दिए थे, दो तीन एग्जांपल दिए थे बनने के। आप कल्पना करो, ये बात मान रहा हूं हमको नीचे नहीं देखा जी, ऊपर ही देखा जी, हम कितने ब्लेस्ड हैं कोई भी चीज जो आपके पास है, और वही नजरिया कोई और वो होते सोते रात को नहीं सो पा रहा, सब कुछ होते जोते, तो कुछ तो कमी आपको लेके जीवन में चलनी पड़ेगी, और ये कमी पूर्ण भी हो जाए, बहुत परेशान है आपकी ये मेरी इच्छा वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद अगली परेशानी उससे ज्यादा प्रेशर की आएगी। वो एक और कहानी थी अच्छी आपने सुनी होगी, मैं इससे रिलेटेड है कि बहुत इट्स वेरी लॉजिकल कनेक्टिंग स्टोरी। एक संत आता है एक राजा के पास, वो राजा को बोलता है कि यार क्या बोल बेटा तू, एक मांग मुझसे कुछ, शायद आपने सुनी होगी उसको, लेकिन इस मौके पे बोलना अच्छा लगेगा। तो बोले बोलो, बोले यार मैं ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ ये तो ये चिट्ठी देके जा रहा हूं तेरे को मैं, इसमें तेरी एक समस्या का निदान हो सकता है बस। अब वो क्या किया, राजा जी ने अपने पास रख ली, बोले अरे तो एक समस्या का निदान बताया, अपने पास ही रखी, कोई समस्या आती नहीं, चिट्ठी खोल लू क्या, अरे यार चलो अभी तो निपट लेते हैं, अब बड़ी समस्या आएगी तो अपन ये खोलेंगे। धीरे 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 करके समस्या आती गई, अपने आप समय लेते हुए अपने समय के साथ गुजरती गई, दूसरी समस्या आई वो निपटी, क्योंकि एक समस्या में आप उलझे हो तो दूसरी आने का सवाल ही नहीं थी, दूसरी आई फिर वो भी निपट गई, तीसरी आई, चौथी आई, फिर जब बुजुर्ग अवस्था में आ गए वो, तो यार मैंने बोले यार एक परेशानी आई उनको कि बच्चों का, बोले अब मैं खोलता हूं। तो वो चिट्ठी खोलते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, ये भी गुजर जाएगा, मीन्स ये भी गुजर जाएगा, और उस कंडीशन के साथ वो अपने पास संभाल के रखता था चिट्ठी राजा कि यार इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी, ये को मेहनत ही नहीं करना, ये निपटा दूंगा, ये निपटाते गया जीवन की रंगन जैसे जैसे करते गया और आखिरी में लिखा ये भी गुजर जाएगा। तो साथियों ये ध्यान रखो, आप जीवन के अंदर कोई समस्या से आप नहीं लड़ रहे हो, आपके साथ में एक छाया और चल रही है, प्रभु की कृपा आपके साथ है, वो लड़ाई के अंदर आपको हथियार साथ में प्रोवाइड कर रही है। जहां आपने बोला कि लड़ाई मैं लड़ रही हूं आप बहुत दुखी रहोगे, और जहां ये सोचा कि लड़ाई मैं नहीं लड़ रही हूं, लड़ाई वो चल रहा है जो ये सांस चल रहा है वो जाने, उसका काम क्या है, नहीं मेरा काम है कर्म करना, और फिर देखो जीवन को आप Are you getting me, na? Yes, no.
तो यही कर्म संन्यास का जो कहता है, हो सकता है मैं आपसे कहता हूं मैं भी लागू नहीं कर सकता बात कभी कभी, सिंपल। मैं आज बड़ी उसमें गया यार, मैंने कहा महाकाल जाना है, पर 3 महीने बाद दर्शन करने के बाद कई चीजें ऐसी होती मैं भी लागू, फिर मैं अवेयरनेस करता हूं कि तू कौन, एक मांसपेशियां, तेरे को स्वयं को अंदर से तेरे को दिखा दो तो तू गिनचा के मर जाए। इफ यू कैन सी योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड यू लेफ्ट बॉडी इमीडिएटली, वो आपके शरीर के बारे में डॉक्टर से पूछो, ये वो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देखो, किसी को देखो कैसे हालत है, माय गॉड। इसीलिए ईश्वर ने वो चीज अदृश्य रखी और कर्म के लिए बनाया आपको, उसमें ध्यान ही मत दे और रखी मत, ये वो छोड़, उसकी सांस अगर आप चला सकते हो, आप चला सकते हो तो आप उसकी चिंता करो, वो भले आपका पति हो, आपकी बेटी हो, बेटा हो, लड़का हो या सासू माँ हो या कोई भी हो, दे आर प्लेइंग जस्ट रोल अगेंस्ट यू, बट सम रोल्स आर प्लेइंग वेरी पॉजिटिव विथ, वेरी वेरी पॉजिटिव विथ। अब देखो आप बहुत प्यारा जीवन है यार, बहुत भाग्यशाली है कि यू गॉट ए ह्यूमन बॉडी नंबर वन, ये मानव शरीर मिला है हमें, 84 लाख करोड़ सर्वोत्तम योनि शोनी जो अवतार भगवान हुए श्री कृष्ण नाम, उनकी योनि में जन्म मिला है। ये तो कितनी योनियां है यार, कैसी कैसी योनियां आप जानते हो जिनको देख के हमको घिन आती है, पर वो भी एक सेंस ऑर्गन है ना, उनमें भी एक सोल है जो उनकी सांस चला रही। आप मेरे ब्लेस्ड हो और जो भी समस्याएं आपके पास लेके चल रहे हो, आप अपने कर्म पे ध्यान दो, ये सोच के मत करो कि जिस प्रकार आप फ्लाइट में बैठ जाते हो ना, हेलो फ्लाइट में बैठे है ना, 18-18 घंटे की फ्लाइट आपने करी, उस वक्त चिंता क्यों नहीं करते जीवन की कि मेरे ऊपर हवा में बैठी हूं, हवा में उड़ रही हूं, माय गॉड मेरे कुछ हो गया तो। जिस प्रकार आपका शरीर पूरा उस 18-20 घंटे की फ्लाइट में आपको पायलट के हवाले कर देते हो, अरे एक बार मेरा कहना मान के आपका पूरा जीवन उस प्रभु के हवाले करो जो आपकी सांस चला रहा, वो फिर देखो आप तो जहां अपने आप को इन्वॉल्व करा, अरे पायलट बराबर चल रहा है कि देख के आता हूं, मैं जो आप पाते ही नहीं चला। एक और हम कहानी एड करेंगे इसमें कि जहां आप करता बना, एक वो शायद आपने सुनी भी होगी लेकिन हम वो सुना देते हैं। तो भगवान को बोले, यार भगवान तू मेरी समस्या ध्यान रख नहीं कर, तू क्या करता रहता, तेरे खड़ा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं यहाँ पे, वो मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ है तो कुछ करना नहीं। तो भगवान बोलते हैं, बोले तू क्या कर, बोले आप एक दिन मेरे को खड़ा करके देखो, आप सच्चा न्याय करके बताऊंगा मैं तो। ओके, बोले भगवान जी ने बोला ठीक है तू मेरी जगह खड़ा हो जाए एक दिन, लेकिन एक बात जरूर करना, कोई कुछ चुप रहना, कोई कुछ भी कर रहा हो यू डोंट एक्सप्रेस एनी फीलिंग्स। अरे बोले मैं न्याय करूंगा भगवान जी आप देखो क्या। तो बोले ठीक है, भगवान ने बोला मेरी जगह तू खड़ा कर दिया हो तेरे को, लेकिन तुझे मालूम एक भी चीज तू बोलता ना। शायद आपने कहानी सुनी होगी, तो एक दिन आता है भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, मेरा फैक्ट्री टूट रही, फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा ध्यान में कुछ होकर इतने में क्या होता है, उसका पर्स गिर जाता है, उसका पर्स गिर जाता है जेब से। तो वो भगवान बना वो इंसान देख लेता है इसका पर्स गिर गया। फिर उसके बाद एक और भक्कत आता है, उसका वो पर्स दिख जाता है, वो उठा के निकल लेता है। और उसके बाद एक सीधा साधा आदमी आ जाता है, प्रार्थना करते भजन गाते हुए, और प्रार्थना करता है तो इतने में ही वो आ जाता है जिसका पर्स गिर गया था। पुलिस देखो, बोले कुछ नहीं, बोले पर्स बोले इसने लिया, देखो मेरे अलावा कोई आया भी दर्शन करने के लिए, ये बोले भैया मैंने तो पर्स देखा ही नहीं, आप मेरी तलाशी ले लो। बोले नहीं नहीं पर्स तुमने छुपा दिया, तुमने पर्स। तो अब इसमें वो भगवान बना इंसान बोले यार बेचारे को क्या सजा मिलेगी यार, तो बोल देता हूँ, बोले इनने नहीं चुराया पर्स, तो किसी भक्त ने चुराया, वो जो लाल भूषण वाला जा रहा है उसने पर्स लिया, आप उसको पकड़ो, ये आदमी सीधा इसने कुछ नहीं किया।
वो छोड़ देते उसको, शाम को भगवान जी आते हैं, बोले क्या हुआ गुरु कुछ करा? अरे क्या करोगे भगवान जी, आप न्याय मेरे साथ न्याय किया? बोले बेटा तूने न्याय नहीं किया, तूने अन्याय किया, मेरी बात नहीं मानी। बोले क्यों? बोले कि जो जो चोर लेके जा रहा था पैसे चुराने वाला है ना, उसको घर में पैसे की आवश्यकता थी है ना, और जो तीसरी माया बारा वो लंबी यात्रा पे जाने वाला था और उसका ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला था, उसको मैंने जेल में डालने का प्लान किया था कि ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। तो आप देखो कड़ियां कैसी से कैसी, मतलब कहने को कहानी है, लेकिन जहां भगवान के कार्यों में हम इंटरप्शन कर सकते हैं तो कहानी उल्टी होती है। आप समझे स्टोरी? एनीबडी गॉट इट स्टोरी? तो हम उसके कार में क्यों करें? उसके कार में करो तो एक घंटा आधा घंटा सांस रोक ले, बता नहीं, सूरज को रोक के बताओ आधे घंटे, एक घंटे पानी के बगैर देख बताओ। आज आपके पास समस्या कितनी भी हो, उसमें अगर भगवान अपने दिखाना चाहे ना, बोले चलो उस्ताद पानी नहीं मिलेगा चार घंटे, आप छह घंटे सात घंटे आठ घंटे एक दिन दो दिन बाद आप तरस जाएंगे, समस्या मार गई, समस्या गई, तेल लेने मेरे को पानी पीना है, या ना? तो जब तक आपकी समस्या को छोटा नहीं करना, जब तक आपके सामने कोई बड़ी समस्या खड़ी ना करो। पानी नहीं मिल रहा तो आप भूल जाओगे, मेरे बीवी बात नहीं सुनती, मेरी पत्नी नहीं हती, मेरी शादी नहीं हुई, सब भूल जाओगे, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, हाँ ना? तो भगवान वो दे रहा है प्रकृति की फ्री में पानी दे रहा है आपको, फ्री में श्वास दे रहा है और कुछ तकलीफ दे रहा है, लेकर चलो उसको। उस तकलीफ के पीछे उसने क्या क्या रोक रखा आपको क्या मालूम? क्या क्या रोक रखा आपको क्या मालूम? मैं हर चीज को नकारात्मक को भी सकारात्मक देने का मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, और मेरी जब दूसरा जीवन मिला तब तो मैं बहुत देखता हूं जो आपकी नेगेटिविटी है वो आपकी पॉजिटिविटी है, सब ये आपके जीवन में तभी संभव हो पाएगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डिटेच यूर सेल्फ। आप गाड़ी चलाने के बजाय पीछे बैठ जाओ, मीन्स आपकी एक्शन पूरी करो आप, लेकिन निष्काम भाव से कि कुछ भी मुझे मिले, तनखा कुछ भी मिले, मैं डिटेच करूंगा, तो वह अपने आप में एक कर्म संन्यास योग हुआ। तो बोले तू तेरा दिमाग मत लगा युद्ध में यहां पर कि मैं कौन मर जाएगा, ना कोई ना कोई, ये मरे ही थोड़ी है, ये यहीं पे है, कपड़े बदल लिए ना दूसरे पहन लिए, आज जन्मा कोई नहीं, आज जन्मा अपने बारे में बताया उन्होंने, ये लोग यहीं पे यहाँ पे ना, इनका वो जिसका जन्म हुआ उनका मरना तय है, ये एक आध दिन मरना है, तेरे हाथों मरना है, इनके हाथ में लिखा है, तू क्या पहुंचा कौन, हो सकता है तू इनके हाथों मर जाए। तो यह बातें कहकर कृष्ण भगवान उसको मोटिवेट करते हैं कि आप कोई भी कर्म करो, इवन मैं आपको बोलूं कि गलत कर्म करना वो दोनों आपके ऊपर छोड़ दिया उसने, ईश्वर ने, दुर्योधन का काम भी कर सकते हो, अर्जुन का भी काम कर सकते हो, बस ये तैयार रखना फल उसके हिसाब से मिलेगा आपको। आप अगर बाय चांस एक पैसेंजर बस में बैठ के जा रहे हो वो सोचे तो वो पूछोगे लेट राइट पे जा रहे हो तो ये सोचो, तो अच्छी बुराई देवता राक्षस वगैरह सब आपके शरीर में मौजूद है। और आज की तारीख में एक बात बता दूं आपको, आज की तारीख में हम कहने को इंसान है लेकिन जितने भी जानवर इस धरती पर है उन सब की कहावतें हम पर लागू है। ये बात को प्रूव करती है कि आपके देव राक्षस भी आपके साथ है। और एक बहुत बड़ा आस्तीन का सांप निकला, बोलते ना है? बोलते ना कहावत अपने इंसान पे लागू ना है ना, अरे यार क्या कुत्ते जैसा भोगता है। ऑल द एनी एनिमल यू कैन कम, ऑल एनिमल्स इडियम्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, सभी सकारात्मक नकारात्मक दोनों की कहावतें एक हमारे जैसे इंसान पे लागू होती है। और आप खुद ही बोलते हो अरे यार क्या लोमड़ी जैसी चतुर्थी, क्या दिमाग लगा है उसने, क्या बोली गाय जैसी बोली यार, कितने उसके घर में उसकी बीबी आई, अरे बिल्कुल गाय जैसी बोली। यस,
अरे भैया वो शादी करके नहीं हुई, नहीं वो शेड नहीं है पूरी करके अंदर, इसे लाई हो तो माय गॉड मेरे को थोड़ी मालूम था, देखने को पहले जब देखने गई थी तब तो गाय गैया जैसी दिख रही थी, और घर में आके जो इसने अपना मुंह फाड़ा वो शेड नहीं हुई। तो अगर आप अपने में डालोगे तो सभी सभी कितने धरती पर जानवर हैं। क्या यार क्या बहुत है, कोयल जैसा गाती है क्या, कोयल जैसी बात बोली निकलेगी क्या, आम इंसान कंपनी बस मधुरता। तो हमारे जीवन में और उनमें कोई अंतर भेद नहीं रखा है। अगली बात कृष्ण भगवान ये कहते हैं, जब तक अपनी आंखों से एक इंसान को और कुत्ते को बिल्ली को जीवन को एक समान नहीं देखोगे, तिरस्कृत निगाहों से नहीं देखोगे, तब तक आप ये मान के चले इस कर्म युग में अपनी योद्धा बनकर नहीं जी सकते। आप सबको कृष्ण बनाया, ईश्वर ने बनाया ना सबको, उस कृष्णमा ने बनाया, कैसा भी बनाया, अच्छा बनाया बुरा बनाया, आपकी निजरा के हिसाब से वो बुरा है, हो सकता है किसी और की निगाहों से अच्छा। एक मर्डर कर देता ना उसके साथ ही पीछे लोग पहुंच जाते हैं 50-60। तो ये मैं आपको एक इस चीज से अवेयर कराना चाह रहा हूं कि एक तो इस अध्याय से हमें मिला कि आप सभी कर्म करो, लेकिन उसमें आप अपेक्षा ना रखोगे फल की, नंबर वन जो पांचवा अध्याय कहता है, नंबर टू उसमें अपना कर्ता भाव बने, बल्कि मैं कर रहा हूं ये सोचे मत, कोई ना कोई करवा रहा है, ठीक है। और कोई भी सभी को एक समान निगाहों से देखो, किसी को भी वो मत करो, एक समान निगाह है, कोई अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, कब एक जैसे उसने बनाया वो जाने, उसकी काम जाने। आई नेवर इन्वॉल्व टू क्रिटिसाइज समवन, ये अच्छा ये बुरा है हुआ। इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू से अबाउट द डॉटर्स, लड़कों की शादियां होती है वो, गुरु जी ये लड़की कैसी रहेगी मेरे बेटे के लिए, ये पत्रिका देखो, क्यों किसी कह रहेगी बढ़िया रहेगी, बच्चियां क्या पत्रिका देखकर तुम अच्छी बुरी बताओगे, अरे ये लड़की अच्छी नहीं है इसके लिए, ये लड़की अच्छी नहीं है, अरे हु आर यू टू डिसाइड, जस्ट टेक्स अप फ्रॉम बक्स कुछ पैसे लेके बता ये लड़की अच्छी है ये तो खराब है, ये घर में दंगल कराएगी ये खरीदेगी, हम भी पागल जैसे उसकी बात तो मानते हैं पैसे दे देते उसको। आप सुनो इसकी पत्रिका में हम क्या सुधार कर सकते हैं, हम लड़की है मैं कैसे ज्योतिष शास्त्र को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें सुनने में परेशानी होती है। यस, तो हम सब लोग ये चीज शुरू से बोलते आए हैं कि अष्टवक्र गीता का भी ये संदेश है, जो एसेंस बोलो, सब कुछ हो रहा है कोई नहीं कर रहा, ये आपका इंद्रियों का अनकंट्रोल जो आप ये सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं। इवन जो चीज मुझ में भी है, जो मुझको मुझ में रेक्टिफाई करना है, ये बताओ कोई अच्छा काम भी आपसे हो गया ना तो बराबर आप क्रेडिट ले लोगे उसकी, है ना। आप देखो अपने आप को चेक करना, व्हेनेवर यू डिड द राइट वर्क इमीडिएटली डिड, एंड व्हेनेवर द रॉन्ग वर्क, नहीं यार अरे यार मैं ऐसे कपड़े तो मैंने उसने बोला था ऐसे कि पहना तो उसने ऐसा बोला, इमीडिएटली स्विच यस नो, हम अपने आप को तत्काल माफ कर देते हैं, किसी और को माफ नहीं करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, मैं मानता हूं जो भी विषमता आपके पास है वो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं नहीं झेलता हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपके पास उसको सहने की ताकत ऊपर वाले ने दी है तभी आपको वो समस्या दी, ये बात आप मान के चलो, आपको समस्या दैवत तो सहने की ताकत और आसपास आपको सुविधाएं देके दिए तभी उसने समस्या दी, बिलीव ऑन दैट। सो नाइस, पूनम की डॉटर कितने प्यार से सुन रही हो, पूनम कौन है ये, पूनम कौन है आपके पास में कौन बैठे, लेट्स बी चेक इट, ये सुचित्रा जी हैं जी, सुचित्रा जी मेरी सिस्टर। अच्छा सुचित्रा जी, ओ माय गॉड तेरे को मैं थोड़ा बच्चा लग, छोटा लगे, ये छोटा सा मेरे सामने बच्चा ही लगते हैं, हां वो दिन दो सर का जी 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 प्रॉपरली इंटेंशन, ओके। सो हम कोई चीज को देखने का नजरिया हमारा हो सकता है अलग,
जितने लोग यहाँ पे 27 पार्टी अलग अलग, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं हम कॉन्क्लूड करके इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, नोबडी इज डूइंग। मैं अगर एक सास के रूप में पीड़ित हूं, मेरी बहू है, वो पीड़ा मुझको झेलनी है, उसको उसका करने दो। उसके अगर उसके उसके पॉइंट में अगर पॉइंट रॉन्ग जा रहे हैं, मैं अवेयर कर सकती हूँ, एक बार बोल रहे दो बार उसके, मैं भाग्य से नहीं लड़ सकती। आप अपने भाग्य से लड़ सकते हो, किसी और के भाग्य से लड़ सकते हो। मैं बोलता हूँ, बोले यार वो माता पिता तुम्हारी सेवा ही नहीं करता बेटा, ये साहब मैं क्या करूं। मैं क्या, आप उसके भाग्य में ही नहीं है आप माता पिता की सेवा करना। फिर जिस उम्र में माता पिता की हमको सेवा करना पड़ती है, उस उम्र में माता पिता उनकी सेवा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑल हैव द रीजन। चलो एक रीजन के ऊपर हम आपको एक अच्छी कविता सुनाते हैं, है ना। एक ऐसा गीत सुनाऊंगा आपको जो अपने आप में किसी ना किसी भगवत गीता से कम नहीं है। उसके छुपा हुआ जो अदृश्य ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को जो भी परेशानियां से लड़ रहे हैं उससे ऊपर उठाने में काम देगा। ओके, लास्ट 10 मिनट्स है तो हम एक वो सुनाते हैं आपको, अच्छा गीत वो सुन भी रखा हो आपने तो भी आंखें बंद कर लो। Just see your life as a viewer, एक साक्षी भाव से अपने जीवन को देखें। मेरा नाम ये था, मैं कब छोटी थी, बड़ी हुई, आज भी मेरे बचपने के फोटो देखकर बोलता हूँ मम्मी मैं ऐसे दिखती थी, वो पापा मैं ऐसा दिखता था पहले बचपन में। आज वही शरीर, वही छोटा जिसको देखकर आपको अच्छा नहीं लगता है, वो शरीर से यात्रा पूरी करते हुए आप यहाँ तक आए। अपने अतीत से प्यार भी किया, अतीत से दुख भी मिला, जो मिला जस्ट लिसन डिटेल विथ योर नेम। अपने नाम से अपने आप को अलग करके एक ज्ञान के रूप में इसको सुना कि किसी झोली में फूल खिले, किसी झोली में है कांटे, किसी झोली में फूल खिले, किस झोली में है कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, बांटने वाला बांटे है भाई तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा कि पहले बनती है तकदीर। पूर्वार्ध, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। अरे किसी को मिल गई कंचन काया, किसी को मिल गई कंचन काया, किसी को कोड़ी शरीर, कोई कारण होगा, कारण होगा, बांटने वाला बांटे है भाई तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा, कारण होगा। कि नाव पे गाड़ी कभी गाड़ी पे नाव, नाव पे गाड़ी कभी गाड़ी पे नाव, लीला कैसी न्यारी, नाव पे गाड़ी कभी गाड़ी पे नाव, लीला कैसी न्यारी। अरे भिक्षुक देखो दाता बन गए, भिक्षुक देखो दाता बन गए, दाता बने भिखारी, कोई कारण होगा, कारण होगा, भिक्षुक देखो दाता बन गए, दाता बने भिखारी, कोई कारण होगा, बांटने वाला बांटे है भाई तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा। के मात पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई, मात पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई, अरे तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्याई, तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्याई,
कोई कारण होगा बांटने वाला बांटे, हे भाई तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा। कि अन्न शकर की बोरी मानव, अन्न शकर की बोरी मानव, गिन गिन घर ले आता, अरे खरीद तो पाता तू पगले, उठा नहीं क्यों पाता, अरे जो कंधे पर लादे बोरी, जो कंधे पर लादे बोरी, खरीद नहीं क्यों पाता, कोई कारण होगा बांटने वाला बांटे, है भाई तू क्यों यूं पछताए, किसी की झोली में है फूल, किसी की झोली में काटे। और ये लाइन ध्यान दे, सभी के जीवन पे लागू होती है कि सुख सागर का लगा बिछोना, नींद तुझे नहीं आती, सुख सागर का लगा बिछोना, नींद तुझे नहीं आती, रूखी सूखी खाकर कोई सपनों में करता बाती, अरे समय भाग्य से तुझे मिलेगा, समय भाग्य से तुझे मिलेगा, क्यों टूटे तू छाती, समय भाग्य से तुझे मिलेगा, क्यों कूटे तू जाती, कोई कारण होगा किसी की झोली में है फूल, किसी की झोली में काटे, कोई कारण होगा बांटने वाला बांटे, है भाई तू क्यों यू पछताए, कोई कारण होगा। के पोथी बन बड़ बन गया ज्ञानी, पोथी पढ़ पढ़ बन गया ज्ञानी, भेद समझ नहीं आया, जन्म मरण और पर्ण का खेला, तुझे समझ नहीं आया, अरे अंत समय तक भटका प्राणी, अंत समय तक भटका प्राणी, हाथ कछु नहीं आया, कोई कारण होगा बांटने वाला बांटे, है भाई तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा किसी की झोली में, अपनी अपनी आंखें बंद रखे, चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करें। चेक योर पोजीशन, व्हाट इज द वरीज, शरीर के अंगों से, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तों से, इस शरीर से जुड़े हुए अभाव से जुड़ी आपकी परेशानियां, तनाव, इस ऊर्जा में स्वीकार करें कि जो भी मेरी परेशानियां हैं, तनाव है, मॉड्रेशन है, वरीज है, शारीरिक पीड़ा है, रिश्तों की पीड़ा है, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, और इस भाव के साथ कि तू ईश्वर जो भी आपका आराध्य हो मेरे साथ है, और मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफों का पल 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 ध्यान रख रहा है, और मुझे बहुत जल्दी जो भी मेरी परेशानियां है, तनाव है, मेरी पीड़ा है, इससे मुक्त कराएगा, क्योंकि मुझे मेरी पीड़ाओं से ज्यादा तुझ पर विश्वास है। आई बिलीव ऑन यू मोर देन माई बॉदरेशन एंड वरीज।
जो भी हो रहा है होने दें। धीरे से अपना ध्यान अपने उठने वाले विचारों पर ले जाए। चेक योर थॉट्स एज ए व्यूअर। Become aware of your emotions. जो भी आपके भाव हैं, नाराजगी है जीवन से, खुशी है, जो भी समर्पण है, जो भी सुख या दुख, वट एवर पोजिशन और हैप्पीनेस इज नॉट माइन, इज बिलोंग टू समवन एल्स हु इज ऑपरेटिंग माय बेड। मेरे सुख दुख पीड़ा सब उसी की है, उस कृष्ण की, अपने आराध्य की जो आपकी श्वास चला रहे। तेरा तुझको अर्पण। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे साथ। एक लंबी गहरी श्वास भरे, आहिस्ता आहिस्ता खाली करे। बिकम अवेयर ऑफ योर टच पॉइंट। अपने स्पर्श स्थान पर ध्यान दें, जहां पर आपका शरीर धरती को स्पर्श कर रहा है। अपने नाम पर अपना ध्यान दें, बंद आंखों के साथ अपने आप को स्नेह करें। यू आर द बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, बेस्ट, यू आर द बेस्ट कृष्णा भगवान। हग योरसेल्फ।
आप उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति दर्शन भाव के साथ, प्रार्थनात्मक भाव के साथ होठों पर मुस्कान लिए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपने समय के अनुसार खोल सकते हैं। You can open your eyes. Take your own time along with the smile. पानी का ग्लास हो गया। Drink the water. Yes, good. You are not sufferer, you are warriors. Okay, then blessings. Tomorrow again we meet at 8:30. Again, any questions if in your mind, कोई प्रश्न आपके मन में हो, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं, हो सकता है मेरी कोई बात से आप सहमत ना हो। You are very free to send me message के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से आप उससे बात कर सकते हैं। यार मुझे ऐसा लगा, मैं पूरे सदन में रखूंगा आपका प्रश्न, है ना। बस मेरा तर्क वही है कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, अपने आप के जीवन को छोटी मोटी पीड़ा के सामने सरेंडर ना करें। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, ब्लेसिंग्स।